कर लेते हैं हरमन बावेजा की। हरमन बावेजा और प्रियंका चोपड़ा तैयार हैं फिल्म लव स्टोरी 2050 में दिखने के लिए। प्रियंका की पहली फिल्म नहीं है लेकिन हरमन बावेजा पहली बार पर्दे पर दिखेंगे। फिल्म की रिलीज तो 6 जुलाई को तय है लेकिन इंडस्ट्री ने अभी से उन्हें हिट करार दे दिया है। आशुतोष गोवारिकर, संजय लीला भंसाली, अनीस बज्मी जैसे जाने माने निर्देशकों ने साइन कर लिया है हरमन को और अब वो फैशन मैगजीन एन रैंड के कवर पेज पर भी छा गए हैं। फिर भी अपनी पहली फिल्म को लेकर नर्वसनेस बरकरार है। इन सब पर हरमन से की हमने एक खास बात की। लव स्टोरी 2050 4 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, सपनों से दुनिया लगेगी, बहुत अलग तरह की दुनिया होगी, आपके सोच का दायरा बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं फिल्म के एक्टर हरमन बावेजा। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि उनकी दुनिया बदल गई है, लाइव परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अब मैगजीन के कवर पेज पर भी वो नजर आ रहे हैं। हरमन आपकी बात करें तो आपकी दुनिया तो अभी से बदल गई है, कभी सोचा था ड्रीम लॉन्च होगा आपका और इस कदर उससे पहले इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि लगेगा जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं है। आपने जो भी कहा वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वो सब सुनते सुनते मैं साथ में और भी नर्वस होता जा रहा हूँ और भी एंग्शियस होता जा रहा हूँ। अभी फिल्म रिलीज हुई है तो आपने वो बोर्ड एग्जाम्स देता है, 10th standard में बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, पता है एग्जाम्स अच्छे हो गए लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक नर्वसनेस रहती है। तो आई थिंक मैं अभी स्टेज पर हूँ कि सब कुछ हो भी रहा है लेकिन मैं ज़्यादा एक्साइट भी नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ कि पहली फिल्म रिलीज हो, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, फिर मैं एंजॉय कर सकता हूँ। पापा ने डायरेक्ट की फिल्म, कैसा लगा था, किस तरह की केमिस्ट्री? शुरू में तो आप लोगों के बीच में काफ़ी डेडलॉक था, बहुत घबराए हुए थे पापा डायरेक्ट कर रहे थे। ऑफकोर्स नेचुरल है, पहले दो दिन तो उनको मैंने कहा था आप सेट पे मत आएं, दूसरे कमरे में बैठ के डायरेक्ट करें, मेरी वीडियो प्रिंटर और माइक हाथ में पकड़ के। फिर तीसरे दिन वो आ गए सेट पे, उन्होंने परमिशन ली मुझसे जो बहुत फनी लगा। फैमिली तो है, मेरे डैड बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरी रग जानते हैं और फैमिली एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया एंड आई थिंक वी आर अ ग्रेट टाइम वर्किंग टुगेदर एंड लुक फॉरवर्ड एंड आई होप अगर उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, मेरे डैड को मुझे अपनी अगली फिल्म में भी लें। हरमन कथक आपने सीखा है, काफ़ी मेहनत की, प्रियंका को स्टार हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनसे भी? हाँ उनसे तो मिला ही है, सीनियर एक्टर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें, उनके साथ साथ मेरे सेट पे सभी मुझे एडवाइस देते थे क्योंकि सब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भले वो मेरा फैशन डिज़ाइनर क्यों ना हो, मेरे कैमरामैन क्यों ना हो, मेरे सेट डायरेक्टर क्यों ना हो, मेरे लाइटमैन क्यों ना हो। तो आई थिंक सभी से मैंने एडवाइस लिया और फिर होपफुली सबकी एडवाइस काम आई हो। हरमन फिल्म से तो आपको भी बहुत उम्मीदें हैं, हम सबको भी बहुत उम्मीदें हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो जब की बार आप स्टेज पर आए थे फिल्म के प्रमोशन के लिए तब से काफ़ी मशहूर हो गया है, लोगों के बीच एक तरह के स्टाइल आइकॉन आप बन गए हैं, तो इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? अच्छा ये शूज से लेकर आपके जैकेट तक हर कुछ। आई थिंक इसमें मेरी फैमिली का बहुत है, मैं खुद फैशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, वाइट टी शर्ट और जीन्स पहन के आ जाता बट माई मदर एंड माई स्टाइलिस्ट रजत है और मेरी सिस्टर, द थ्री ऑफ देम गेट टुगेदर एंड दे डिसाइड व्हाट आई हैव टू वेयर एंड आई शट माय आईज एंड आई वेयर इट। हरमन बस आपकी सवाल आपसे जानेंगे, 4 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? यही कहूँगा कि हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और काफ़ी दिल से भी फिल्म बनाई है, काफ़ी पैशन के साथ बनाई है, बस आप इस फिल्म को देखें, होपफुली आप इंजॉय करें, दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक सो मच फॉर ऑफ। तो ये थे हमारे साथ हरमन बावेजा, आपको कहना चाहेंगे इनकी फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही जितनी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर्स हैं, चाहे आज आशुतोष गोवारिकर हो, चाहे संजय लीला भंसाली हो या फिर अनीस बज्मी, सबकी फिल्मों में ये काम करते हैं, तो ये 4 तो पहले ही बन गए लेकिन 4 जुलाई ये वो तारीख होगी जिस दिन वाकई इस बात का फैसला होगा कि लव स्टोरी 2050 आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लगी। कविता चौहान, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब बात